आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। ये वीडियो उन सामर्थ्यवान माँ बापों के लिए है जो कि अपने बच्चे पर मनोवैज्ञानिक ढंग से पूरा दबाव बना के चलते हैं, बहुत सुनियोजित तरीके से, और उसको घुमा फिरा के उसको एक ही चीज़ का एक लक्ष्य पकड़ा देते हैं। जैसे होता है कोई कंपनी में प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, टास्क दे दिया जाता है, वैसा दे दिया जाता है कि तेरे को UPSC क्लियर करनी है, हर हालत में करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, पढ़ाई के अंदर भी कहते हैं प्लस टू में इतने नंबर लाने हैं, दसवीं में इतने नंबर लाने हैं, बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं। इसी प्रकार से आपके और भी कैरियर प्रोफेशनल कोर्स CA, आपका इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि, मतलब इतना दबाव बनता है। और आपको मालूम है जितने मैंने नाम लिए हैं इनमें सुसाइड्स केस सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा सुसाइड्स केस इंडिया के अंदर जो किशोर बच्चे और नौजवान हैं उनमें स्कूली बच्चे हैं बोर्ड के पेपर देने वाले। दूसरे क्या कहते हैं, सुसाइड्स केस करने वाले प्रोफेशनल कैरियर कोर्स वाले हैं। तीसरे आपके ये UPSC की परीक्षा वाले हैं, या फिर उनमें डिप्रेशन में कई लोग हो गए, सारी ज़िंदगी उनकी निरस्ता में निकल जाती है अजीब स्थिति में। ऐसा क्यों? क्योंकि खास तौर पे माँ बाप और माँ बाप में पिता जो समझदार होते हुए बस उसका एक लक्ष्य रहता है कि पता नहीं, अरे मेरे को तो यही नहीं समझ में आता कि ये इंडिया का महाजुआ, लाखों बच्चे पेपर देते हैं, हजारों इंटरव्यू देते हैं, उसमें सिलेक्शन केवल अब पिछले 2 साल से तो 750 से 800 का है, उससे पहले 1000 के लगभग का था। बल्कि कहना ये चाहिए कि बच्चों आपको क्या कहते हैं, आप तैयारी इतनी बड़ी जब कर रहे हैं तो इससे आपको और भी पेपरों के लिए आसानी रहेगी, बढ़िया रहेगी। अगर हो जाए ठीक, नहीं तो दूसरे में आप चले जाइए, आप दूसरे डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम दे दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट तो खैर सबको मालूम ही है। इसी का पढ़ाई में भी दबाव बनाए चलेंगे, इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, वो माएँ भी जो 10वीं क्लास पास हैं उनकी तो बात छोड़िए, लेकिन जो पढ़ी लिखी माएँ, मैंने कहा ना पढ़े लिखे लोग माँ बाप और सामर्थ्यवान, वो पढ़े लिखे माँ बाप भी क्या कहते हैं, माएँ जो हैं वो भी कहते हैं जान खाई रखेंगी, उनको ये भी नहीं मालूम खुद क्या क्या कहते हैं, उन्होंने MA कर रखी होगी, MSc कर रखी होगी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि क्या कहते हैं इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, मेडिकल में अंदर क्या पढ़ाई होनी है, लेकिन ज़बरदस्ती लगी रहेंगी। बल्कि माओं को ये करना चाहिए कि उनके हेल्थ का ध्यान दे जितना भी बन सके। ठीक है हॉस्टल में जाके नहीं रह सकते, लेकिन ठीक है उनको कुछ ना कुछ पहुँचाए रखें, उनको करके ज़्यादा बातें भी ना करें। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक आध बार बात करें, उससे फालतू बात ही ना करें, बच्चे का मन विचलित ना हो। लेकिन उन माँ बापों को मैं बार बार इस वीडियो के द्वारा कहना चाहता हूँ, आप ठीक है आपके बच्चे सर्विस करेंगे, अच्छी करेंगे, बढ़िया करेंगे, लेकिन उन पर प्रेशर बन जाता है, फिर माँ बाप भी उनके हाँ में हाँ करने लग जाते हैं। कई माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो प्रेशर तो नहीं डालते, लेकिन जो बच्चा प्रेशर में रहता है तो उस प्रेशर के अंदर वो भी प्रेशर में आते हैं, देखो जी मेहनत तो बहुत करता है, ऐसा है वैसा है, दिन रात लगा रहता है, लगी रहती है जो भी कुछ है, और फिर भी क्या कहते हैं इसको फल नहीं मिल रहा, 2 बार तो एग्ज़ाम दे ली इसने, 3री बार मतलब जैसा वगैरह वगैरह। अजी आप क्यों होते हो, आप तो कहो देखो बेटा हमें नहीं मालूम, हमारा काम है तुम्हारे को सुख सुविधा मुहैया कराना जो हमसे बन सकता है। अब ना तो हम तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ सकते हैं, ना हॉस्टल में जाके बैठ सकते हैं, ना तुम्हारी जगह हम पेपर दे सकते हैं, तुम जानो तुम्हारा कर्म जाने, अगर ये हो जाए ठीक है, नहीं हो तो दूसरी चीज़ कर लो। बस आपका 2% जवाब होना चाहिए, इसमें आगे पीछे कुछ नहीं। अपने ऐसे बच्चों के साथ जो सेंसिटिव बच्चे हैं, बहुत इमोशनल हैं, उनके साथ तो कम से कम भी किसी प्रकार से भी पुचकारने का कोई सवाल नहीं है, कोई पुचकार के बात नहीं करनी है, कोई उनमें लाड में लाड नहीं लटाना, इस तरह वाली बातों में साफ 2 टुक जवाब, हमें नहीं मालूम, फेल हो पास हो एग्जाम क्लियर करो, सिलेक्शन हो नहीं हो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, गायत्री मंत्र जाप या जो भी राम का नाम जो भी जाप करते हैं वो एक माला रोज करो, एक पाठ रोज करो जो भी पाठ करना है, और बाकी अपना कहते हैं पॉजिटिव किताब के एक आधे पेज पढ़ते अपना तैयारी करो बस। चाहे वो स्कूली पढ़ाई हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल पढ़ाई हो, चाहे UPSC हो, कुछ भी हो, तब तो रहेगा ठीक, वरना बच्चे डरने लग जाते हैं। मेरे पास एक मेरे परिचित का किस्सा है जिसकी क्या कहते हैं बच्चे डरने लग गए, वो बाप से दूर जाना चाहते हैं, ऐसे कई किस्से हैं, वो चाहते हैं बाप सामने ना रहे, प्यार भी बहुत करते हैं पिता से, लेकिन बाप का पूरा पूरा दबाव है, वो दूर बैठ के भी दबाव बनाता है, नज़दीक तो और ज़्यादा है। इसीलिए मेरी वीडियो को बहुत गहराई से समझिएगा, मर्म समझिए। मंगल, नमस्कार।